हाय गाइज, वेलकम टू माई चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ रिगार्डिंग द बेस्ट वर्कआउट फॉर यू इफ़ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट। नाउ काफ़ी बार मुझे ये क्वेश्चन आते हैं दैट वाइल आई एम ट्राइंग टू लूज वेट मैं कौन सा वर्कआउट करूँ, मैं क्या करूँ एग्जैक्टली, आई एम वेरी कन्फ्यूज, इतनी सारी वीडियोज़ हैं ऑनलाइन एंड आपने क्या किया था, मुझे हमेशा ये पूछा जाता है। सो आई थॉट दैट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो एंड एक्सप्लेन यू गाइज कि आपको कौन सा वर्कआउट करना चाहिए इफ़ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट। नाउ एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज इन लॉट ऑफ माई अदर वीडियोज, प्रीवियस वीडियोज, कि आपका वेट लॉस 80% डिपेंड करता है ऑन द डाइट, ऑन द न्यूट्रिशन, कि आप किस तरीके का खाना खा रहे हैं, वो डेफिनेटली आपकी बॉडी सबसे पहले बताएगी। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप सबसे ज़्यादा ध्यान लें, 80% मेहनत अपनी डाइट पर रखें, ठीक है। तो उसके लिए आप अगर चाहें तो मेरी वीडियो देख सकते हैं डाइट रिलेटेड, देयर आर लॉट ऑफ डाइट प्लान्स आई हैव ऑन माय चैनल, आप कोई भी एक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द वर्कआउट्स की 20% जो पार्ट है एक्टिव रहने का, कैसे ऐसा कुछ करें कि 100% रिजल्ट्स हमें मिले। हफ्ते में 5 दिन आपने देने हैं वर्कआउट को, ठीक है ना। वर्कआउट कैसा कर सकते हैं आप? वर्कआउट देखो बहुत तरीके का होता है जिससे कैलोरीज बर्न होती हैं, जैसे कि नॉर्मल जो हम वॉक करते हैं उससे भी कैलोरीज बर्न होती हैं, ब्रिस्क वॉकिंग उससे भी कैलोरीज बर्न होती हैं, रनिंग से भी कैलोरीज बर्न होती हैं, जॉगिंग से भी कैलोरीज बर्न होती हैं, स्किपिंग रोप जो हम रस्सी कूदते हैं उससे भी हमारी कैलोरीज बर्न होती हैं, स्विमिंग, डांसिंग, योगा, यू नेम इट, मतलब हर तरीके का वर्कआउट, हिट वर्कआउट्स जो हैं या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट्स हैं, एवरी काइंड ऑफ कार्डियो पे, मतलब ट्रेडमिल पे रन करना ही क्यों ना हो, हर तरीके का वर्कआउट जो है वो आपको कैलोरीज बर्न करेगा। आपको करना है ऐसा जो आप 5 दिन हफ्ते में इंजॉय कर सकें, बिकॉज दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ डूइंग अ वर्कआउट, कि आपको इंजॉयमेंट होनी चाहिए वाइल डूइंग इट। बिकॉज आई इंजॉय ब्रिस्क वॉकिंग, आई इंजॉय डांसिंग अ लॉट, एंड जब भी मैं होम मैट वर्कआउट्स वगैरह करती हूँ, मेरे ऑलरेडी चैनल पर 10 मिनट होम वर्कआउट है, ठीक है, वो मैंने एक टाइम बहुत लंबे टाइम तक किया एंड नाउ आई डोंट फाइंड इट रियली इंटरेस्टिंग इनफ, तो अब मैं और दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर करने लगी हूँ। लाइक आई यूज़ टू रियली लव डांसिंग बैक इन माई स्कूल डेज और इन कॉलेज डेज, सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट ओनली अगेन। तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा हाफ एन आवर एटलीस्ट डांस कर लेती हूँ, थोड़ा कार्डियो काइंड ऑफ हो जाता है, एंड विद दैट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट्स कर लूँ जिससे मेरी थोड़ा मसल्स जो हैं थोड़ी सी मजबूत हो जाएँ। सो दिस इज़ द वे आई वर्कआउट एंड मैं ट्राई करती हूँ, अगर मुझे वर्कआउट की हिम्मत नहीं है किसी दिन तो मैं वॉक पर चली जाऊँ और ब्रिस्क वॉकिंग कर लें हम लोग, हाफ एन आवर, 45 मिनट्स टू अप टू इवन 1 आवर, ठीक है। सो इट बेसिकली मीन्स कि डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वर्कआउट सूट कर रहा है उस पर, और दूसरी चीज़ कौन सी चीज़ आप लंबे टाइम तक कर पाएंगे, ठीक है। तो इस चक्कर में मत पड़ो कि यार दूसरे लोग जो कर रहे हैं हिट वर्कआउट्स कर रहे हैं तो मुझे भी ऐसे ही उचकना पड़ेगा ऑन द मैट एंड ओनली देन आई विल बी एबल टू लूज वेट, बिकॉज दिस इज सम काइंड ऑफ मेंटालिटी जो हमें आ जाती है बिकॉज वी आर डेस्परेट इनफ टू लूज वेट एंड वी थिंक कि यार बाकी सारे जो फिटनेस एंथुजियास्ट हैं वो सब यही चीज़ें दिखा रहे हैं, सो दिस इज़ द राइट वे टू लूज वेट। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। द राइट वे इज योर वे, द राइट वे कि आपको कौन सी चीज सूट करती है ए, प्लस आप किस चीज को ज्यादा लंबे टाइम तक कर सकते हैं, मतलब हफ्ते में 5 दिन कब आपको बनाना है प्लान, जो पसंद है ना वो करो, ठीक है। तो आज के बाद मुझसे ये क्वेश्चन मत पूछना कि हम कौन सा वर्कआउट करें, आप कोई भी वर्कआउट कर सकते हैं। आई होप आई एम क्वाइट क्लियर विद दिस। वर्कआउट का मैंने आपको ऑलरेडी बहुत क्लियर कर दिया है कि द वे आई डू माई वर्कआउट्स, दिस इज़ हाउ आई डू इट। और हाँ, एक और चीज़, एक और टिप आपको दे सकती हूँ कि मैं ये वॉच पहन लेती हूँ, मैं बड़े ही आलस फील करती हूँ इस वॉच को पहनने के लिए, सो समटाइम्स आई डू नॉट वेयर इट एंड समटाइम्स आई वेयर इट व्हेन आई एम रियली एंथू अबाउट कि मुझे कुछ स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, या फिर मैं बाहर वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ या घर पे नहीं कर पा रही हूँ किसी भी तरीके का, तो मैं ये वॉच पहन लेती हूँ कि जिससे कि मैं घर पर ही अपने स्टेप्स काउंट कर पाऊँ कि मैंने कितने स्टेप्स चले, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड वे कि आप वॉक कर सकते हैं एंड अपने फ़ोन पर या अपनी वॉच पर आप स्टेप्स काउंट कर सकते हैं कि कितने स्टेप्स हो गए हैं, ठीक है। स्किपिंग रोप कर रहे हैं तो फिर आप 100 to 200 स्किपिंग रोप कर सकते हैं इस तरीके से। सो दीज आर ऑल अ कपल ऑफ वेज जिस तरीके से आप एक्टिव रह सकते हैं। एक्टिव रहने का मतलब क्या होता है? एक्टिव रहने का मतलब ये नहीं है कि आपने आधे घंटे वर्कआउट कर लिया दिन में एंड बस अपना काम हो गया और उसके बाद आप आराम से काउच पर पड़े हुए हैं, सो दैट विल डेफिनेटली नॉट हेल्प यू इन एनी वे। आपको
काम थोड़ा सा, मतलब पूरे दिन थोड़ा सा अपनी बॉडी को मोबाइल रखना होगा, उठना होगा किसी चीज के लिए, फिर बैठ जाओ भले ही, फिर उठो. मतलब पॉइंट इज जस्ट घर के काम करते रहो, थोड़ा एक्टिव बने रहो, एंड देन ओनली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. अदरवाइज ऐसा नहीं होता है कि आप बस आधे घंटे जिम में कराए या फिर आधे घंटे आपने होम वर्कआउट कर लिया और पूरे दिन आप बैठे हुए हैं. द होल पॉइंट ऑफ बीइंग एक्टिव और स्टेइंग एक्टिव इज really it's very good for our health, overall health, not just for weight loss. And definitely weight loss तो एक addition है, वो help करेगा ही weight loss में आपकी by the end. लेकिन major जो चीज़ है वो है health reason. ठीक है guys, now I hope आपको मेरी video ये समझ आई हो, because just मुझे ऐसा लगा that I need to talk about this, so मैंने जल्दी से एक video बना ली. I didn't even think about it कि मुझे ये बनानी है. I just thought that a lot of you guys ask me about it and a lot of you guys are really confused regarding the workouts. You know what diets to follow on my channel, लेकिन workout के केस में थोड़ा झोलमाल हो जाता है. खैर, नाउ अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो लाइक कर देना, शेयर इट विद मोर पीपल, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है. नीचे रेड सब्सक्राइब बटन, उसको करना है आपने क्लिक, और उसके बगल में जो बेल बटन है टिंग टिंग, आपको करना है उस पर भी क्लिक, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले ऑफ माई फ्यूचर वीडियोज. एंड नाउ आई विल सी इन माई नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर गाइज, बाय बाय.